नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। मुकेश अंबानी ने सोमवार को हुई सालाना आम सभा में कहा कि रिलायंस जियो ने दुनिया का सबसे तेज 5G रोल आउट प्लान तैयार किया है। दिवाली 2022 तक हम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के मेट्रो शहरों सहित कई प्रमुख शहरों में जियो 5G लॉन्च करेंगे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जेडीयू की तरफ से प्रस्ताव को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान नहीं है। बिहार में 17 साल के दौरान नीतीश कुमार ने 8 बार मुख्यमंत्री के तौर पर राजनीतिक कपड़े बदले, जो जनता अच्छी तरह से देख रही है। सीएम नीतीश कुमार के पास न तो कोई नैतिक आधार है और न ही कोई सिद्धांत। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया और कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने के लिए जबरन मजबूर किया। जहां घर वालों को लगे कि यह आदमी नहीं चाहिए, तो अकलमंदी खुद घर छोड़ने में है। हले जयराम रमेश अपना डीएनए चेक करवाए कि कहां के हैं और किस पार्टी से हैं। वह देखिए कि उनका डीएनए किस किस पार्टी में रहा है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का वीडियोग्राफी सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करने को कहा है। सर्वे के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और 2 अधिवक्ताओं को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे, साथ ही जनपद के सक्षम अधिकारी भी मौके पर रहेंगे। बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को पूर्णिया पहुंचेंगे और 24 सितंबर को वह किशनगंज के दौरे पर रहेंगे। इन दोनों जगहों पर अमित शाह की एक एक रैली भी होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार ने बिल्किस बानो मामले में शामिल लोगों को छोड़ दिया। ममता बनर्जी ने उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि अगर भाजपा से हो पाए तो मुझे गिरफ्तार करें। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले अरुणाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति तापी मरा पिछले 7 दिनों से लापता बताए जा रहे हैं। दरअसल तापी प्रदेश की ऊंची चोटियों में से एक माउंट क्यारी सिटाम पर चढ़ाई के आधिकारिक मिशन पर थे। तापी मरा के लापता होने के बाद पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से 37 वर्षीय पर्वतारोही की तलाश करने में मदद की गुहार लगाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 45वीं सालाना आम बैठक में कंपनी में चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने बताया कि रिलायंस सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाली कंपनी बन गई है। राष्ट्रीय खजाने में रिलायंस का योगदान 69% बढ़कर 1,88,012 करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि रिलायंस $100 बिलियन के सालाना राजस्व का आंकड़ा पार करने वाली देश की पहली कॉरपोरेट कंपनी बनी है। एशिया कप ग्रुप ए के आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की इस हार पर टीम के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, बाबर ने एक गलती की, उन्हें नवाज को 13वां या 14वां ओवर देना चाहिए था, आखिर में बहुत देर हो चुकी थी। मैच में मोहम्मद नवाज ने 3 जबकि डेब्यूटेंट नसीम शाह ने 2 विकेट लिया था, लेकिन हार्दिक की 33 रनों की विस्फोटक पारी ने मैच पाकिस्तान से छीन लिया। कांग्रेस ने अपने पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद की ओर से किए गए प्रहार पर पलटवार करते हुए सोमवार को कहा कि आजाद वर्षों तक जिस पार्टी में रहे, जहां उन्हें सब कुछ मिला, उन्हें उस पार्टी को बदनाम करने का काम सौंपा गया है, यहां उनके स्तर का और गिरा रहा है। उन्होंने आजाद पर निशाना साधते हुए सवाल किया, आखिर क्यों हर मिनट वह अपने विश्वासघात को सही ठहरा रहे हैं, उन्हें आसानी से बेनकाब किया जा सकता है, लेकिन हम अपना स्तर क्यों गिराएं। साल 2022 का MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड इस बार 28 अगस्त रविवार को न्यू जर्सी के प्रोड्यूसर्स सेंटर में आयोजित हुआ। MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड 2022 के दौरान हॉलीवुड के कई दिग्गजों की मौजूदगी ने इस खास समारोह की रौनक को बढ़ाया, जिसके आधार पर जॉनी डेप, हैरी स्टाइल, डोजा कैट, ड्रेक, निकी मेनाज, जैक हॉर्लो और LL क्रूज से जैसी नामी हस्तियां शामिल रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर के दूसरे हफ्ते में बिहार का दौरा कर सकते हैं। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले शाह 23 से 24 सितंबर को बिहार के सीमांचल क्षेत्र का दौरा करेंगे। बीजेपी नेता ने बताया, गृह मंत्री अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत पूर्णिया और किशनगंज जिलों का दौरा कर सकते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के कार्यक्रम के अलावा उनकी जनसभाएं भी निर्धारित है। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 2022 में अपने अभियान का विजयी आगाज किया। मुकाबले में हार्दिक पांड्या से मैच के बाद मारो मुझे मारो से सुर्खियां बटोरने वाले मोमिन साकिब मिले और उन्हें जीत की बधाई दी। साकिब ने उम्मीद जताई है कि दोनों टीमें एशिया कप 2022 का खिताबी मुकाबला खेलेंगी और साथ ही कोहली को कहा कि फाइनल में मिलेंगे।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के जलंधर पहुंचने से एक दिन पहले वहां खालिस्तानी नारे लगाने का मामला सामने आया है। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए थे, जिसकी सूचना पुलिस को सुबह के वक्त मिली, जिसके बाद उन्होंने स्प्रे से लिखे गए स्लोगन को मिटाया और संविधान चौक के आसपास लगे सीसीटीवी चेक कर आरोपितों की खोजबीन शुरू कर दी है। रामनगरी अयोध्या के सरयू नदी में अगले साल से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नावें बंद हो जाएंगी और इनके जगह पर सोलर ऊर्जा से संचालित होने नावें चलने लगेंगी। इन नावों के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सोलर क्रूज भी शुरू हो जाएंगे, जिनमें अयोध्या के धार्मिक और पौराणिक स्थलों की जानकारी के साथ रामकथा का श्रावण भी कराया जाएगा। इससे प्रदूषण में कमी आएगी। ट्विन टावर ढहाए जाने के बाद इलाके में हवा की गुणवत्ता पर काफी असर पड़ा है। ट्विन टावरों से निकले 80,000 टन मलबे और उससे उड़ी धूल के चलते नोएडा के रिहायशी औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण के प्रमुख तत्व पार्टिकुलेट मीटर 10 और PM2.5 की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ी हुई देखी गई है। रविवार दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक हवा में PM10 और 2.5 की मात्रा काफी ज्यादा रही। इसके बाद रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यह धीरे धीरे घटी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 45 AGM की बैठक में ईशा अंबानी ने शेयर होल्डर्स के सामने रिलायंस रिटेल को लेकर जानकारी साझा किया। उन्होंने कहा कि रिलायंस रिटेल ने अकेले 1.50 लाख लोगों को नौकरी दी है, जिसके बाद रिलायंस रिटेल में काम करने वालों की संख्या 3.60 लाख पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि कंपनी हर महीने 1.50 लाख मर्चेंट पार्टनर को अपने साथ जोड़ रही है। अगले 5 साल में कंपनी के 1 करोड़ मर्चेंट पार्टनर की संख्या तक पहुँच जाएगी। बेंगलुरु में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने मीट बिक्री और कसाई खानों पर 31 अगस्त तक पाबंदी लगाई है। इस आदेश के बाद हैदराबाद सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह देश के मुसलमानों को दबाने की कोशिश है। उन्होंने एक बयान में कहा कि ऐसे आदेशों के जरिए देश के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ट्विन टावर को गिरा दिए जाने के बाद अब भारत के औद्योगिक राजधानी मुंबई की ऊंची इमारतों पर खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने मुंबई की ऊंची इमारतों के ऑडिट कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि BMC में भ्रष्टाचार के चलते मुंबई में ऊंचे ऊंचे आवासीय टावर का निर्माण कराया गया है और साथ ही अवैध ऊंची इमारतों का स्पेशल ऑडिट करने का अनुरोध किया है। श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के चीन के आरोप पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई और इसका करारा जवाब देते हुए कहा कि कोलंबो को अब सहयोग आवश्यकता है, न कि किसी अन्य देश के एजेंडे को पूरा करने के लिए अवांछित दबाव या अनावश्यक विवादों की जरूरत है। भारतीय हाई कमीशन ने शनिवार को कोलंबो में चीनी राजदूतों को संकटग्रस्त देश पर अनुचित दबाव बनाने और श्रीलंका के हवन टोटा में चीनी जासूसी जहाज तैनात करने के मामले में विवाद भड़काने के लिए फटकार लगाई। RBI के अनुसार RTGS और NEFT के द्वारा पैसे ट्रांसफर करने पर अगर ग्राहक का पैसा अटक जाता है तो तय समय के अंदर ट्रांजैक्शन सेटलमेंट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो बैंक को इसके लिए ग्राहक को जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने की राशि रेपो रेट पर निर्भर करेगा, जिसके साथ 2% ब्याज भी देना पड़ता है। वर्तमान में रेपो रेट 4.90% है, जिसके साथ 2% ब्याज भी बैंक को देना पड़ेगा। अमेरिकी नौसेना के ऑपरेशनल हेड एडमिरल माइक गिल्डे ने चीन से जारी तनाव को लेकर भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में चीन का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मैंने किसी अन्य देश की तुलना में भारत की यात्रा पर अधिक समय बिताया है, क्योंकि मैं उन्हें भविष्य में हमारे लिए एक रणनीतिक भागीदार मानता हूं। पंजाब नेशनल बैंक पिछले कई महीनों से अपने ग्राहकों को KYC कंप्लीट करने की बात कह रहा है। अब बैंक ने ट्वीट के जरिए अलर्ट करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार अगर आप अपने अकाउंट को KYC 31 मार्च 2022 तक तय नहीं किया तो 31 अगस्त इसके लिए आखिरी तारीख है। अगर इसके बाद भी KYC अपडेट नहीं कराया जाता है तो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की आदिवासी छात्रा ने अबू धाबी में हुए मिक्स मार्शल आर्ट अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिंदुस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीता है। अंडर 17 में हिंदुस्तान के लिए सिल्वर मेडल जाने वाली पलक नाग देश की पहली छात्रा बनी है। जिले के जगदलपुर शहर में रहने वाली पलक नाग ने फाइनल मैच में USA के खिलाड़ी से सामना किया। अब आप बिना कोई एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड किए सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए किसी भी आगामी स्टेशन पर खाना ऑर्डर करने के लिए जूप का उपयोग कर सकते हैं। IRCTC की फूड डिलीवरी सर्विस जूप ने यूजर्स को व्हाट्सएप चैटबॉट सर्विस देने के लिए जियो हैप्टिक के साथ पार्टनरशिप की है, जो यूजर्स को सफर के दौरान सिर्फ PNR नंबर का इस्तेमाल करके आसानी से ट्रेन की सीट पर ही खाना ऑर्डर करने की सुविधा देगी। रविवार को नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि मेरे दोस्त और कांग्रेस के नेता श्रीकांत जिचकर ने मुझे सलाह दी थी कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ जाओ। इस पर मैंने कहा कि मेरी विचारधारा उससे मेल नहीं खाती, मैं कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अहंकार और आत्मविश्वास में क्या फर्क होता है।
हर साल 29 अगस्त का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि मेजर ध्यानचंद सिंह ने हॉकी में भारत को ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक दिलवाया था, तो उन्हें सम्मानित करने के लिए हर साल उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मेजर ध्यानचंद ने अपने करियर में 400 से भी ज्यादा गोल दागे थे। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन अप्रेंटिसशिप के लिए इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर और आईआईटी पास आवेदन कर सकते हैं। भेल अप्रेंटिसशिप भर्ती 2022 के लिए आवेदन 7 सितंबर तक होगा। बता दें कि भेल में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए कुल 575 वैकेंसी है। जो उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं वे BHEL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एशिया कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की दमदार जीत को लेकर एक्टर नकुल मेहता ने ट्वीट में लिखा, प्रिय पड़ोसियों कृपया उन टीवी सेटों को न तोड़े बल्कि मेरे टीवी शो का आनंद ले, क्योंकि क्रिकेट में क्या ही रखा है। नकुल ने पाक की हार पर चुटकी लेते हुए पाकिस्तानियों से उनकी हार के बाद अपना टेलीविजन नहीं तोड़ने बल्कि उस टीवी सेट पर अपना शो देखने का आग्रह किया है। न्यूड फोटोशूट मामले में अभिनेता रणवीर सिंह ने आज सुबह 6:50 बजे मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया। बता दें कि रणवीर ने 22 जुलाई को पेपर मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट कराया था। इसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद रणवीर के खिलाफ मुंबई के एक NGO ने चेंबूर पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 509, 269, 273 IT एक्ट के सेक्शन 76A के तहत केस दर्ज किया गया था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनु कुमार, राजकुमार कुशवाहा, अशोक कुमार प्रजापति, जवाहर सिंह, के सिन्हा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके राज्य में इंटरनेट की सुविधा कैसी है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।